तो हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है श्री श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, हम देखते हैं कि वो 70 साल की आयु में वो यहाँ से कार्गो शिप में जहाज में वो बॉस्टन गए थे वेस्टर्न को प्रीच करने के लिए। हमको ये फील होना चाहिए कि प्रभुपाद ने हमारे लिए जो भी किया, रात जग जग के उन्होंने बुक्स लिखे, बुक्स प्रिंट करवाए, वो खुद चल के बुक्स प्रिंट करने जाते थे, तो हमको उन्होंने सारा तैयार मटेरियल दे दिया है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसको बांटना है और दूसरों को इस भक्ति में जुड़ना है। और सबसे मैं पर्सनली प्रभुपाद को इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि वो आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई एग्जाम्पल बना है कि भक्ति करने के लिए कोई आयु नहीं होती है, भक्ति करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े होके या बूढ़े होने के बाद भक्ति करें या फिर जब कुछ काम नहीं रहता है हमारे पास सब भक्ति करें, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी देखिए 70 ईयर्स ओल्ड थे, आज हम देखते हैं घर घर में कि 65 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद वो घर बैठते हैं और टीवी देखते रहते टाइम पास करते, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या सोचा कि नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि 5-6 देश जाओ और उन लोगों को इससे भक्ति प्रदान करो। तो मैं पर्सनल लोगों को इतना इसलिए प्रेम करता हूँ कि जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि यस प्रभुपाद जी अगर जा रहे हैं तो हमारा तो ये खून है, हमारे जैसे भगवान को हम जब फ्लावर अर्पण करते हैं तो मुरझा हुआ फूल अर्पण नहीं करते, फ्रेश फूल अर्पण करते हैं, तो अभी फ्रेश फूल है, हम लोग फ्रेश है, हम लोग यंग है, जितना हो सके हमें यही माध्यम है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों से जुड़ा है, इसलिए मैं प्रभुपाद से बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रेम करता हूँ उनसे।